यो व्हाट्सअप गेमर्स इज योर बॉय एपिक एंड गाइस आज हम लोग माइनक्राफ्ट में क्राफ्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कस्टम जंप्स जैसे कि डायमंड जंप, स्मैश जंप, टीएनटी जंप, फलाना जंप। देखो बहुत सारे टाइप के जंप है, मुझे सारा याद नहीं ओके एंड इन सभी जंप के अपने अलग अलग एबिलिटीज है और मुझे वो भी याद नहीं। देखो छोटा सा तो दिमाग है, कितना कुछ याद रखूं। अरे रुक जा, ये तो बेइज्जती कर रहा हूँ खुद की। मेरे कहने का मतलब था मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ ना, इसीलिए ये सारी छोटी मोटी चीजें मुझे याद नहीं रहती। ओके तो बकवास बहुत कर लिया, आप सबसे पहले थोड़ा बहुत हम लोग काम कर लेते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग क्राफ्ट करने वाले हैं स्मैश जंप, जो बनेगा कॉबल स्टोन से एंड फेदर से। इसका मतलब समझ रहे हो, मुझे चिकन का चिकन बिरयानी बनाना पड़ेगा सबसे पहले। हे बन गया, अब चलो थोड़ा सा अत्याचार किया जाए। हेलो चिकन मैडम जी, आप कहाँ पे हो? मुझे आज आपका पंख चाहिए। चिंता मत करो, आपका चिकन बिरयानी बनाने नहीं आ रहा हूँ मैं, मुझ जैसे सीधे साधे भोले वाले लड़के पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। वो देखो गाइस बोल रही सामने, ये देखो इधर ही देख रही है। हेलो मैम कैसी हो? देखो आपका चिकन तंदूरी बनाना पड़ेगा। ओ भाई देखो डर के मारे इसने अंडा दे दिया। अरे नहीं ऑमलेट नहीं चाहिए, मुझे फेदर चाहिए। ओके तो तीन तीन फेदर मिल चुके हैं, अब बस मुझे कुछ कॉबल स्टोन चाहिए, फिर हम लोग फाइनली बना पाएंगे अपना स्मैश जंप। वैसे सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि जब हम लोग जंप करेंगे तो टकला किसी और का फूटेगा। हाँ स्मैश जंप मतलब ऐसा ही कुछ होने वाला है, लेट्स सी क्या होता है। ओके गाइस तो ये फाइनली बन गया हमारा पहला कस्टम जंप, लॉन्चेस नियर बाय मॉब्स व्हेन यू जंप। तो मैंने एकदम सही सोचा था, इससे यही होगा, किस पे ये ट्राई किया जाए। वैसे मुझे यहाँ से ढेर सारे जॉम्बीज की तो आवाज आ रही है, चलो उन्हीं पर ट्राई करते हैं। अरे यार इधर तो बहुत अंधेरा, ये लोग दिख नहीं रहे हैं। ओ दिख गया, ये रहा क्रीपर। नो थैंक यू सो मच, क्रीपर से पंगा नहीं लेना मेरे को। ये देखो हाँ इधर लामा है, इस पे ट्राई करूँ क्या? चलो यहीं पे जंप करके ट्राई करता हूँ। ओ भाई ये क्या हो गया, ये देखो। अरे भाई ये तो पूरा हवा में लॉन्च हो जाता है, ये देखो इस बार तो ये पक्का टपका। ओ माय गॉड कुछ ज्यादा ही ऊपर नहीं उछल गया, ये पता था ये टपकेगा। चलो इस बार इस लामा पे ट्राई करते हैं। हेलो गाइज आप लोगों को मैं जंपिंग जेपैक सिखाता हूँ। वो देखो वो बोल रहा है मुझे भी सीखना है। गाइज ये बड़ा मस्त है, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ये देखो ओ माय गॉड। लेकिन मस्ती करते करते यहाँ पे रात हो चुकी है, कोई बात नहीं जॉम्बीज के साथ भी मस्ती कर लेंगे। हेलो गाइज केम छो मजा मा, जंपिंग जेपैक में मजा तो आ रहा है ना? अर्ज किया है जब हम चलते हैं हमारे सामने पूरी दुनिया उछलते हैं। ओके तो अब हम लोग नेक्स्ट क्राफ्ट करने वाले हैं टीएनटी जंप, उसके लिए गन पाउडर ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है। और ये मत पूछना कि मेरा सारा एक्सपीरियंस कहाँ गया, वो मैं जंपिंग जपाक करते करते कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। तो ये देखो ये बन गया हमारा एक्सप्लोसिव जंप, एक्सप्लोर्स ग्राउंड बिलो यू ऑन जंपिंग। ओके तो हम लोग कह सकते ये काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, चलो ट्राई करते हैं। लेकिन पहले ये क्राफ्टिंग टेबल लेने दो। ओ भाई ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ ज्यादा ही धमाकेदार निकल गई। ये देखो मैं जब भी जंप करता हूँ नीचे टीएनटी फटता है, ये बड़ा मस्त है। ऐसे तो मैं माइनिंग भी कर सकता हूँ, देखा एक तीर से दो निशाने। ये हुई ना बात, क्या बोलते हो गाइस डायमंड भी ढूंढ लूं? अरे भाई थोड़ा रुक जाओ, जंप नहीं करना था मुझे। अरे रुक जाओ लगता है यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हो चुका है, यहाँ से मैं निकलूंगा कैसे? ये देखो जब भी जंप करता हूँ यहाँ पे तो ब्लास्ट होने लगता है। ओ नो ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अरे यार मैं ऊपर जा ही नहीं पा रहा हूँ। रुक जाओ गाइस, अब लगता है मुझे यहाँ पे ड्रीम ग्रिड दिखा के निकलना पड़ेगा। ये देखो मैंने यहाँ पे ऐसे ब्लॉक्स लगा दिए एंड जंप करके अब मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा। अरे यार मैं तो यहाँ पे आया था मॉड्स ट्राई करने एंड क्या मैं यहाँ पे ड्रीम ग्रिड कर रहा हूँ। ओके तो मैं ऑलमोस्ट बाहर पहुंच गया, लेट्स गो। फाइनली मैं आ चुका हूँ बाहर, नीचे नहीं गिरना भाई। तो बाहर तो मैं आ चुका हूँ लेकिन इसका क्या करूँ, जब भी मैं ये करता हूँ तो ये होने लगता है। अब इस जंप को डीएक्टिवेट करने के लिए मुझे एक स्विच बनाना पड़ेगा जो कि बनेगा लेदर से, तो चलो फटाफट उसे बनाते हैं। एंड ये देखो इसी बात पे मुझे फिर से एक साइड याद आ गई, अर्ज किया है जहाँ पे भी हम चलते हैं वहाँ पे धमाके होते हैं। तो गाइज फाइनली मैंने बहुत सारा लेदर कलेक्ट कर लिया काउस का अत्याचार करके, तो इससे हम लोग बना सकते हैं लेदर बूट्स और फिर इसकी मदद से बना सकते हैं एक स्विच जंप जो कि हमें अपने पावर्स को डीएक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। कभी कभी ज्यादा पावर भी ठीक नहीं होता, पूरे रास्ते में मैं तबाही मचाते आया हूँ। ये देखो अभी भी ये सब हरकतें हो रहा है यहाँ पे। चलो भाई बहुत टीएनटी जंप हो गया, इसे डीएक्टिवेट कर देते हैं। ओके तो अब हम लोग अपने लिए बनाने वाले एक माइनिंग जंप बूट्स, इसके लिए हम लोग को आयरन पिकैक्स चाहिए। आयरन तो बहुत सारा कलेक्ट कर लिया मैंने, चलो तो ये बन गया हमारा आयरन पिकैक्स। अब हम लोग फाइनली माइनिंग जंपिंग बूट्स क्राफ्ट कर सकते हैं। ये रहा जंपिंग माइंस ब्लॉक्स बिलो यू, चलो देखते हैं इससे क्या होगा। वैसे पता है क्या होगा, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे जंप करूंगा एंड ये देखो नीचे माइनिंग होने लगेगा। ओ भाई ये जंप तो काफी ज्यादा काम का है, ऐसे तो फटाफट डायमंड मिल जाएगा। क्या ये बेडरॉक को भी?
देखो मेरी गलती नहीं है, मुझे क्या पता था ये बेडरॉक भी तोड़ देगा, ऐसा कहीं पे होता है क्या बताओ। Thousands of tears later. ओके गाइस, तो मैंने बैठ के अभी बहुत ज्यादा ग्राइंड किया है, ये देखो 64 डायमंड भी कलेक्ट कर ली है। नहीं नहीं, क्रिएटिव मोड नहीं यूज किया है, वो क्या होता है मुझे नहीं पता। ओके हाँ, तो अभी सबसे पहले हम लोग क्राफ्ट करने वाले एक खतरनाक कस्टम बूट, जो कि खतरनाक इसलिए क्योंकि हम लोग को डायमंड, आयरन, गोल्ड ये सब चाहिए। अरे कोल भी चाहिए था गाइस। बहुत ज्यादा ग्राइंडिंग करने के बाद ये देखो मैंने फाइनली कोल भी कलेक्ट कर लिया है, तो इससे हम लोग क्राफ्ट कर सकते हैं ट्रांसम्यूटेशन जंप, अपग्रेड्स नियर बाय ब्लॉक्स टू बी मोर वैल्यूएबल। ओके, तो इसकी मदद से हम लोग अपने नजदीक के ब्लॉक्स को डायमंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो रहा है। रुक जा, शायद ये सैंड पे काम नहीं करेगा, इधर ट्राई करता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे जंप करने से, अच्छा ये देखो ये कोल में कन्वर्ट हो गया। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, अच्छा ये देखो आयरन अब गोल्ड में कन्वर्ट हो गया। तो इस बार डायमंड में, यस ये देखो डायमंड में भी कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे मैं इतना जंप करूंगा कि हर चीज डायमंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पे सच्ची में सब कुछ डायमंड में कन्वर्ट हो गया। ओ रुक जाओ, इधर भी ये हरकत करना है मुझे। तो गाइज अब टोटल मिला के बस 3 कस्टम जंप बचे हैं, जिसमें से अभी हम लोग सबसे पहले क्राफ्ट करने वाले हैं हाई जंप। नाम ही से पता चल रहा है क्या होने वाला, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो मुझे इसे ट्राई करना है। एंड इसके लिए मुझे एक रैबिट फुट चाहिए। आई एम सॉरी सर, पापी दुनिया में ये सब करना पड़ता है। अरे रैबिट फुट नहीं मिला, मतलब मुझे और भी ज्यादा पाप करना पड़ेगा। वैसे मैं चाहूँ तो क्रिएटिव से ले सकता हूँ। ना, हर एक चीज में क्रिएटिव मोड का यूज करने लगूंगा तो तुम लोग मुझे नूब बुलाने लगोगे। ये देखो यहाँ पे एक और रैबिट है, आई होप इससे रैबिट फुट मिल जाए। अरे भाई ये देखो कितना तेजी से भाग रहा है। अरे रुक जाओ सर, एक छोटा सा रैबिट फुट ही तो चाहिए। अरे भाई क्या नजारा है मुझे ये। तो फाइनली रैबिट फुट मिल गया। नहीं रैबिट फुट नहीं, रैबिट हाइड मिला है, मतलब मुझे यहाँ पे और भी ज्यादा पाप करना पड़ेगा। इस बार नहीं मिला ना तो आई स्वर किसी का यहाँ पे मर्डर होने वाला है। चलो फाइनली रैबिट फुट मिला, दिमाग खराब कर दिया था इन रैबिटों ने, इतना ये लोग जंप कर रहे थे कि क्या बताओ। तो ये देखो ये बन गया हमारा हाई जंप का जूता, मेक्स यू जंप हायर। हाँ ये तो मुझे लगा ही था। चलो ये धमाकेदार पावर ट्राई करते हैं। अरे रुक जाओ, कहीं फॉल डैमेज से मैं मरूंगा तो नहीं। आई होप डेटा पैक बनाने वाले ने इसके बारे में सोचा है, ये तो मेरा कट गया। अरे यार ये हाई जंप थोड़ी हुआ, ये तो नॉर्मल जंप जैसा हुआ। इतना छोटा जंप करके तो मैं पेड़ से अमरूद भी नहीं तोड़ पाऊंगा। छोड़ो अब कुछ कर नहीं सकते हैं, एंड मैं यहाँ पे सोचा था कि मैं फॉल डैमेज से मर जाऊंगा। चलो तो अब अगला जूता बना लेते हैं, इसके लिए मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है। तो ये बन गया हमारा टेलीपोर्टेशन जंप, जंपिंग टेलीपोर्ट्स यू इन द डायरेक्शन यू लुक। ओके चलो ये ट्राई करते हैं। वो देखो वहाँ पे मुझे रुइंड पोर्टल दिख रहा है, चलो वहाँ पे जाने का ट्राई करते हैं। ओ भाई तुरंत पहुंच गया, ये मस्त है, ये तो काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है ये। अच्छा रुक जा, पहले जंप को डीएक्टिवेट करने दो। तो ये रुइंड पोर्टल तो कुछ खास नहीं, कोई चेस्ट भी नहीं है यहाँ पे। क्या रे माइनक्राफ्ट, ये भिखारी का भिखारी रह गया, कभी भी कुछ ढंग की चीजें नहीं देते मुझे। तो चलो अब चलते हैं वापस अपने क्राफ्टिंग टेबल के पास। मैं नहीं मरूंगा, मर गया। ओ भाई बच गया मैं तो लकी निकला। अरे नहीं फिर से बच गया। ए भाई रुक जाओ, चुपचाप इस टेलीपोर्टेशन जंप को बंद करने दो, ऑलमोस्ट मरते मैं बचा हूँ। देखो इस कस्टम जंप के कारण मुझे फिर से एक बार पाप करना पड़ रहा है। तो अब फाइनली टाइम आ चुका है कि आज की वीडियो का हम लोग सबसे खतरनाक जंप बनाए, ड्रैगन जंप। यस इसकी मदद से हम लोग ड्रैगन के ऊपर जंप कर पाएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, वो तो बनाने के बाद पता चलेगा ना। तो इसके लिए सबसे पहले ये दोनों को रखना है इस साइड, एंड फिर रखना है ड्रैगन ब्रेथ को इस साइड। एंड ये देखो बन गया हमारा ड्रैगन जंप, इट गिव्स यू एक्सट्रीम स्ट्रेंथ एंड जंप बूस्ट। ऐसा है क्या, चलो रख लेते हैं। तो ये देखो गाइस इसे हमें क्या मिल गया, ये तो ड्रैगन कैनन जैसा दिख रहा है। अरे यार इसने तो मेरा चेहरा ही छुपा लिया, अब तुम लोग मेरा सुंदर चेहरा कैसे देखोगे। कोई ना, तुम लोग इस गन का पावर देख के खुश हो जाओ। ये देखो कितना ज्यादा पावरफुल है ये तो पूरा मैंने तबाही मचा दिया। रुक जाओ, क्या मैं इसे किसी और जंप से कंबाइन कर सकता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो अभी मैंने इसे TNT जंप से कंबाइन कर दिया। ये देखो सबसे पहले ऐसा कर के हम लोग नीचे चलते हैं, एंड ये देखना गाइस मैं कितना तबाहीदार तरीके से नीचे जाऊंगा। तो ये देखो भाई ये बड़ा ही मजेदार है। तो रुक जाओ, मैं तुम लोग को एक और ओपी चीज
दिखाता हूँ। तो ये देखो, अब मैंने ऐसा कर दिया कि मैं जहाँ पे भी जंप करूंगा वो सारे डायमंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर इस ड्रैगन वेपन की मदद से ये देखो, ये सारे डायमंड हम लोग एक बार में तुरंत फटाफट कलेक्ट भी कर पाएंगे। ओपी गाइज, ओपी, आज कुछ ज्यादा ही ओपी गिरी हो गया। तो गाइज आज के ओपी गिरी में बस इतना ही। वैसे मेरा चेहरा तो दिख नहीं रहा है, लेकिन मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।